नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अननोन टेक में स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्वर साइड प्रोसेसिंग इन डेटा टेबल, ये होता क्या और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और सेटअप कर लें अपने पीसी पे। ये रहा सर्वर साइड स्क्रिप्ट का एग्जांपल, और इस सर्वर साइड प्रोसेसिंग का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सर्वर साइड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल, सर्वर साइड प्रोसेसिंग एक्चुअली ये होता क्या है। देखिए 50,000 जो अगर डेटा है तो साइट आपको स्लो होगी। अगर आप चाहते हो कि ये साइट स्लो ना होकर बहुत स्मूथ और फास्ट काम करें, तो आप डेटा टेबल सर्वर साइड प्रोसेसिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ आपके प्रत्येक वीडियो पे, तो आप कोऑर्डिनेटर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और सेटअप कर लीजिए। मान लेता हूँ आप डाउनलोड कर लिए हैं। तो और ये रहा सर्वर साइड टेबल का एग्जांपल, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये छोटा सी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट को आपको लगाना है। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा व्यू सेक्शन है, एक छोटा सा डेमो सेक्शन है। व्यू सेक्शन से बहुत काफ़ी मान लिया डेटा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एजक्स के द्वारा, देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग लिखी हुई आ रही है, मतलब ये एज एजक्स के द्वारा हिट कर रही है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए दोस्तों मेरे हिट करने पे एजेक्स काम कर रही है। तो ये देखिए, मतलब ये पूरी की पूरी एजेक्स के द्वारा काम कर रही है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए प्रत्येक रिटर्न। तो पहले हम लोग सर्वर सेट के स्क्रिप्ट और HTML CSS जो भी है वहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं एज ए डॉक्यूमेंट के हिसाब से। देखिए ये मेरा व्यू सेक्शन है दोस्तों, इस जगह पे मैं टेबल का आईडी लिया, ये मेरा टेबल आईडी है। लाने के बाद मैं डेटा टेबल के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा हूँ ऑर्डर्स, जो भी डिस्क्रिप्शन आईडी वन, मतलब वन बोले तो आपका ये मीन्स इनवॉइस नंबर, प्रोसेसिंग में ट्रू किया, सर्वर साइड में ट्रू किया। देखिए ये एजेक्स दोस्तों, ये जो एजेक्स यूआरएल है बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेक्स में थ्रू कर रहा हूँ, यूआरएल में दिया हूँ मैं बेस यूआरएल, परचेस एक मेरा कंट्रोलर है और आल फंक्शन मेरा, आल परचेस मेरा एक फंक्शन है। और डेटा में पास किया हूँ दोस्तों सेशन, मतलब ये जो है एन सेशन यूजर डेटा, ये सेशन आईडी है। और प्रोसेसिंग पेज लिंक आप 10, 25, 50 भी दे सकती हो। तो पहले हम लोग ऑल परचेज को मैं देखता हूँ कंट्रोलर में ओपन किया, ये मेरा मैं कहता आर, ये रहा मेरा ऑल परचेज का दोस्तों फंक्शन। देखिए इस जगह पे जितने भी मेरे डेटाबेस की कॉलम्स हैं इसे मैं डायनेमिक सेट कर दिया हूँ। ये जो भी TBL PR ID, ये जितने भी है दोस्तों ये सब मेरे ज्वाइन, मैंने टेबल को ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद से ये मैं एक वेरिएबल लिया हूँ ड्रो, गेट किया मैं ड्रो, देखिए और स्टार्ट गेट किया मैं डॉट, स्टार्ट का वैल्यू मैं गेट किया, लेंथ वेरिएबल गेट लेंथ का वेरिएबल मैं गेट किया, NF लीड डेटा जो भी वेरिएबल गेट से मैं NF डेटा लीड को मैं लूँगा वेरिएबल में लिया, स्टोर किया हूँ, सर्च वैल्यू ऑर्डर कॉलम और डायरेक्शन। देखिए जितने भी दोस्तों ये वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ ये सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए डेटा टेबल नेम, डेटा टेबल लेंथ, सर्चेबल ट्रू डेटा, इस सारे की सारी वैल्यू मुझे गेट कर लेगी, स्ट्रिंग लेंथ लेंथ
सर्च वैल्यू, सारी की सारी डेटा मुझे इस वैल्यू मिल जा रही है। इसके बाद तो यूज़र अकाउंट एक वेरिएबल के अंदर मैं परचेस मॉडल के अंदर लिखा हूँ दोस्तों, गेट ऑल परचेस काउंट, मीन्स परचेस काउंट टोटल टेबल के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने डेटा हैं वो काउंट करेगी। इसके बाद से मैं एक लीड एरे ब्लैंक एरे डिफाइन किया है, INC एरे डिफाइन एरे किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों क्या अगर सर्च वैल्यू मीन्स जो भी मैं इस जगह पे मैं सर्च वैल्यू अगर मेरा एम्प्टी मिलती है, एम्प्टी अगर रहती है तो डीवी गेट ऑल परचेस काम करेगी, नहीं तो एल्स डीवी गेट ऑल परचेस सर्च काम करेगी। तो मैं देखता हूँ पहले डीवी गेट ऑल परचेस में क्या फंक्शन में लिखा हूँ। ये रहा मेरा दोस्तों परचेस मॉडल, ये रहा मेरा फंक्शन। देखिए दोस्तों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ TBL, मेरा एक फंक्शन है, मेरा टेबल है TBL PR, उसका मैं ऑल डिफाइन कर रहा हूँ, ऑल कॉलम लिया, ID एस जे में ID को मैं परचेज ID किया, TBL सप्लायर है जो भी सप्लायर ID का सप्लायर है TBL सप्लायर का ID और TBL सप्लायर का नेम मैं फेच कर रहा हूँ और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ TBL, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ज्वाइन किया और फिर लाइक के द्वारा मैं TBL पीआर पे आईडी में सर्च की वैल्यू लिया दोस्तों। ये दिस डीवी गेट लिमिट में पास किया हूँ, जो भी मैं लिमिट यहाँ पे दूंगा आएगी और रिजल्ट आने के बाद अब क्या होगा अगर कोई सर्च मुझे मिलती है तो ऑल सर्च वैल्यू में जाएगी। देखिए लेंथ स्टार्ट सर्च वैल्यू और ऑर्डर बाय और डायरेक्शन डायरेक्टरी में सब मैं इस वैल्यू के अंदर पास किया हूँ। चलते इस फंक्शन में देखिए सेम में टेबल को मैं ज्वाइन किया बस दिया, अगर और लाइक का यूज़ किया मैं, अगर इनवॉइस नंबर से ये सर्च वैल्यू मैच करेगी, सप्लायर नेम में सर्च वैल्यू अगर मैच करेगी तो इनवॉइस डेट से अगर ये सर्च वैल्यू और लिमिट मैं जो भी लिमिट पास करूँगा लिमिट ऑर्डर बाय कॉल डायरेक्टरी गेट करेगी टेबल में TBL पीयर से और जो भी उसके बाद से आता है दोस्तों सर्च वैल्यू के बाद कितने काउंट में गिर रही हैं, कितने काउंट हैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों काउंट ये सर्च सिर्फ काउंट तो जोन में किया लाइक दिया और यहाँ पे नंबरों में पास कर दिया मीन्स कितने काउंट हैं। इसके बाद से मैं जो भी मेरे एक लीड के अंदर एरे के अंदर जितने भी डेटा आएंगी उसे मैं लूप एक लूप के अंदर में इसे रखा हूँ। ये रहा मेरा लूप मीन्स डेटाबेस की पूरी वैल्यू, डेटाबेस कॉलम नेम डीड वैल्यू इनवॉइस नेम टोटल GST GST अमाउंट GST टोटल GST अमाउंट ग्रोस अमाउंट एड एडिट डिलीट जो भी मैं इस वेरिएबल के अंदर में पुट किया हूँ जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है ना दोस्तों, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कॉलम को मैं डिफाइन किया हूँ इस जगह पे। देन मैं पुश किया लीड एरे को INC एरे जो मैं ब्लिंक लिया था, लेने के बाद मैं इस एरे के अंदर एक ब्लिंक एरे के अंदर मैं इसे बस पुश कर दिया, देन JSON एनकोड करके एरे को मैं पास कर दिया। ये देखिए मैं 1 प्रेस किया तो दोस्तों जिस तरह की मैं प्रेस करता हूँ अपने पोजीशन 2 नंबर, देखिए 2 नंबर को हिट करने पे ऑटोमेटिक एक ऑल परचेस जो भी मेरा फंक्शन हिट कर रही है इस गाँव पे। देखिए पैरामीटर्स में सारी वैल्यू मेरी, मैं आपको से देखिए दोस्तों सारी की सारी वैल्यू मेरी ये पास हो रही है, सर्च वैल्यू ट्रू, सर्चेबल लेंथ ट्रू, लेंथ कितनी है, NF सेशन डेटा ID, ये रहा सेशन ID मेरा और रिस्पॉन्स में देखिए दोस्तों ये पूरी की पूरी एरे आ रही है जो एज AJAX के थ्रू काम कर रही है।
देखिए दोस्तों, मैं 3/4 एरे प्रेस किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑल परचेज मेरी जो वैल्यू है एजेक्स काम कर रही है। देखिए ये सारे की सारी वैल्यू एजेक्स काम कर रही है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करता हूँ तो सर्च भी काम कर रही है अच्छी तरह से। सॉर्टेबल करूँ तो सॉर्टेबल भी काम कर रही है। सर्च में देता हूँ आपको, देखिए सर्च भी काम कर रही है। नॉट डेटा अवेलेबल इन टेबल। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।